एजेंसी काम थोड़ी करिए, भाजपा की एजेंसी है, भाजपा काम कर रही है, भाजपा के एलाई पार्टनर के रूप में काम कर रही है। तंत्र एजेंसी वो इस देश के अंदर में एजेंसियों के जो कदम है उस कदम को एक एक लोग समझ रहा है। सरकार बदलने की तिथि, एजेंसियों की पूछताछ की तिथि, ये लोग बुझ देख नहीं रहे क्या, समझ रहे हैं? जो आरोप आप लगा रहे हो उस समय तेजस्वी जी माइनर थे, उम्र ही नहीं थी उनकी, मुझ दाढ़ी नहीं आई थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ तबजीत सिंह। आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी। कल देर रात तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव सिंह। कैसे देख रहे हैं कल देर रात तक पूछताछ चली? प्रसाद जी के साथ जो पूछताछ हुई, चिकित्सकों ने लालू प्रसाद जी को एक घंटा से अधिक बैठने की इजाजत नहीं दी थी। लंबी पूछताछ करके लालू प्रसाद जी को रोका गया, सेहत के साथ भी खिलवाड़ की गई। ये पूरी बकायद भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, एजेंसी काम थोड़ी कर रही है, भाजपा की एजेंसी है, भाजपा काम कर रही है, भाजपा के एलाई पार्टनर के रूप में काम कर रही है। तंत्र एजेंसी वो इस देश के अंदर में एजेंसियों के जो कदम है उस कदम को एक एक लोग समझ रहा है कि अब स्वायत्तता समाप्त हो चुकी है, भय का वातावरण देश के अंदर मिला। तेजस्वी जी पर क्या मामला बनता है जी? तेजस्वी जी तो माइनर थे, उम्र ही कम थी उनकी, मूछ दाढ़ी भी नहीं आए थे, एक पिता के पुत्र थे और आपने उनको भी लाया है, नाम घसेड़ा है चार सीट में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। दुनिया में ऐसा कोई केस ही नहीं है, कोई एक उदाहरण नहीं बता सकता है। और फिर भी तेजस्वी जी के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, तो बात साफ है ना, ये भाजपा के एलाई पार्टनर हैं। आप भी जान लीजिए कि आप जितना सोना को आग में डालोगे उतना ही तपके निकलेगा। और आप देश की जनता, बिहार की जनता एक एक चीज़ों को समझे। सरकार बदलने की तिथि, एजेंसियों की पूछताछ की तिथि, ये लोग बुझ देख नहीं रहे क्या, समझ रहे हैं? माकूल जवाब आने वाले कल में दिया जाएगा। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की जाएगी, उसको कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है? तेजस्वी से पूछताछ का कोई मतलब ही नहीं था, कोई औचित्य ही नहीं था। जो आरोप आप लगा रहे हो उस समय तेजस्वी जी माइनर थे, उम्र ही नहीं थी उनकी, मूछ दाढ़ी नहीं आई थी, आप उन पर आरोप लगा। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया का एक केस सामने ला करके बता दो किसी पर इस तरह के केस लगे हो। जब रेलवे ने ही नहीं माना कि मेरे यहाँ कोई करप्शन है, तो आप कैसे मान रहे हो? ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है ना, किस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। तो भाजपा जब एजेंसी के रूप में काम करेगी तो बदले की भावना से काम कर रही है। वो पार्टियों के खिलाफ जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अलग राय रखते हैं, देश की बात करते हैं, लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, क्योंकि देश नियुक्ति इन्होंने दिया, नौकरी दिया, रोजगार दिया, कलेजा फट रहा है। मॉडल बना बिहार तो कलेजा फट रहा है। आज क्या कहिएगा, जिस तरह से क्या लगता है, डर जाइएगा आप लोग जिस तरह से? राजद डरने वाली पार्टी है क्या? देखिए क्या कुछ करे थे जो राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव सिंह, और जिस तरह से कहे कि कल देर रात तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चली ईडी कार्यालय में, पटना के ईडी कार्यालय में। और वही बात करें तो आज तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से कहे तो लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार जो कहा जाए कि आरजेडी के तमाम नेताओं, आरजेडी के द्वारा, आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उनसे पूछताछ चल रही थी। कल देर रात 9 घंटे तक पूछताछ चली और आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी पूछताछ चलेगी। तमाम खबरों पर न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।